Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हेलो जी सर बोलिए। As the healthcare system, not just here in Mumbai or in Maharashtra, but across India, is overburdened with everything running short, let's pause to think about the lives of those who are really the first tier of response, what are known as first responders. And I'm talking about those who drive ambulances, who are paramedics, who provide the immediate medical intervention. Today, we're about to meet a family of brothers. All of the brothers are here in this ambulance, and they are, as I said, the heroes at the front line. Aur inse baat karte hain. Bhai sahab, aapka naam? Mask pehen lijiye sir. Mera naam Shakir Ali hai aur main ye line mein 15 saal ho gaya driving karte hue. Hamare char bhai hain aur jab se ye corona ka chalu hua hai, hum log ye samajh lo 15 se 16 mahine ho gaye hain ye line mein. Hum log ghar se bahar hain और ना घर वाले के साथ रहते हैं. हमारी जो पूरी फैमिली है, हमारे से गुस्सा होकर गांव चले गए हैं. हाँ, अभी हम लोग घर से बाहर रहते हैं. जो भी काम रहता है, पुलिस स्टेशन, बीएमसी, हाँ, हॉस्पिटल, हर जगह से जाते हैं. कोविड बॉडी, नॉन कोविड, कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो भी रहते हैं, हम वो सब वहाँ उनकी जाके मदद करते हैं. तो आप ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें कि ये चार भाई हैं और ये कहते हैं कि इनके फैमिली वाले इनसे इतने परेशान हो चुके हैं, इतने नाराज़ हैं कि आप फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते, जो बीमार हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं. तो चारों ही भाई इस लाइन में हैं सर? हमारे जो हैं चारों भाई जो हैं इसी लाइन में हैं मैडम. वो पढ़ाई करते थे तो अभी पढ़ाई उनकी बंद हो चुकी है और स्कूल चालू नहीं है, तो इसके वजह से हम चारों भाई को एक साथ ले लिए हैं. और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बड़े लोग हैं जो हमसे, वो हमसे नाराज़ होके कि तुम लोग ये काम मत करो, लेकिन हम लोग लोगों का सेवा करना है. सेवा करने के वजह से हम लोग घर से बाहर हो गए हैं. और आप मुंबई में हैं, लेकिन आप कहाँ से हैं? हम मुंबई कुर्ला से हैं मैडम. और कैसे, ओरिजिनली कहाँ से हैं? हम रहने को हमारा तो यूपी से हैं हम लोग. तो ये बताइए कि ये मेडिकल लाइन में आप लोग कैसे आए? मैडम, मैं जो ड्राइविंग जब सीखा था तो एम्बुलेंस लाइन से ही ड्राइविंग सीखा था. जब से हम लोग यही लाइन में ही रह गया मैं. अच्छा. 15 साल से ही मैं यही लाइन में रह गया और अभी तक का मैं यही लाइन पे हूँ. सो बेसिकली व्हाट दिस इज एन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ फोर ब्रदर्स, ऑल ऑफ हुम आर एम्बुलेंस ड्राइवर्स, द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. एंड वी गोइंग टू हॉप ऑन टू दिस एम्बुलेंस. वी मेकिंग वेरी वेरी श्योर बाय द वे दैट राइट नाउ दे आर नॉट ऑन कॉल फॉर एनी पेशेंट्स और फॉर एनी बॉडीज. वी डोंट वॉन्ट टू बी ऑब्स्ट्रक्शंस इन देयर वे, बट वी डू वॉन्ट टू टॉक टू द अदर ब्रदर्स. सो वी गोइंग टू गेट ऑन टू दिस एम्बुलेंस एंड हियर अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस इनक्रेडिबल फैमिली as we talk to the first responders. And I'll ask my camera person also to get in. And you know, you can of course see this is the stretcher on which somebody who's ill, and God forbid, you know, if somebody dies. And then the all critical oxygen cylinder is here. Remember, oxygen is running short everywhere. सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो oxygen की पड़ी है. आइए अब हम इस ambulance में बैठ कर जो बाकी भाई हैं, इस तरफ भाई है, मास्क पहन लीजिए, सब लोग मास्क अपना कवर कर लीजिए, उनसे भी बात करते हैं. और यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ आप आ जाइए और हम वो दरवाज़ा बंद करके चलते हैं. आप मुंबई की सड़कों पर, ये एक परिवार है जिसमें चार भाई हैं और चारों ही एम्बुलेंस की लाइन में हैं. और हम उनसे फर्स्ट हैंड जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस हैं. चले भैया चले, हम फर्स्ट हैंड जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कठिनाई हैं. ये हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं और सच्ची में हीरोइक काम करते हैं. तो हम चल रहे हैं इस एम्बुलेंस में
और मैं इस तरफ अगर कैमरा आ जाए तो दोबारा ऑक्सीजन का सिलेंडर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुंबई में हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, और एम्बुलेंसेज में भी ये एक्सपीरियंस होता होगा, इसके बारे में कुछ बताइए सर। मैडम जैसे है अभी ऑक्सीजन के लिए इतना मारामारी है, जहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जाते हैं वहाँ सीधा बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन, तो पेशेंट को इतना तकलीफ होता है मैडम कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान हो गए। आज 4 दिन से मैं ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा हूँ लेकिन कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रहे, इसके वजह से अभी पेशेंट ना ले पा रहे हैं ना ले। और तो आप कह रहे हैं जब आप एम्बुलेंस में भी जाते हैं तो एम्बुलेंसेज में भी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है? जी मैडम, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है मैडम, क्या करें, कहाँ से पेशेंट लेके जाएं, और वो पेशेंट को कंपलसरी है ऑक्सीजन लगना ही लगना है मैडम, इसके वजह से ऑक्सीजन मिल नहीं रहे तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे मैडम। तो जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो आप लोग फिर कैसे संभालते हैं? मैडम अभी क्या करेंगे, अभी ऑक्सीजन कहीं से कहीं ना, जैसे अभी जो ऑक्सीजन अभी 300 का मिल रहा था वो ऑक्सीजन आज के डेट में 1200-1500 रुपए का एक ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा ऑक्सीजन मिलता है, इसके वजह से अभी कहीं ना कहीं से लाके और ऑक्सीजन और पेशेंट को लेके जाके ड्रॉप करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है वो कोविड पेशेंट को लगता है। अच्छा तो ये बताइए, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग इस एम्बुलेंस में बैठे हैं, बाहर आप मुंबई की सड़कों को देख रहे हैं, ये एक परिवार है, ये 4 भाई हैं इसमें, इस तरफ 2 भाई बैठे हैं और खिड़की खोल रहे हैं, खिड़की खुली रहनी चाहिए क्योंकि वेंटिलेशन एक ज़रूरी चीज़ होती है, और आगे एक भाई जो है वो एम्बुलेंस को चला रहे हैं। अच्छा, और लेकिन मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि ऑक्सीजन को लेकर क्या प्रॉब्लम जो हो रही है उसका क्या हल है, और आपके काम में क्या आप कहेंगे सबसे बड़ा चैलेंज वही है? मैडम अगर ऑक्सीजन जैसे मिलता है तो हमारे पास जो भी कॉल आते हैं वो कॉल हम लोग मतलब रिजेक्ट नहीं करते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो, बट इसके वजह से हम लोग को पेशेंट को रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन पेशेंट लेके नहीं जा सकते। ऑक्सीजन नहीं हो तो आप पेशेंट को नहीं ले जा सकते हैं मैडम, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कहीं पेशेंट जा ही नहीं सकता। तो ये भी होता है कि कई बार पेशेंट्स को मना करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। हाँ मैडम, मना करते हैं इसलिए कि अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लगेगा नहीं तो पेशेंट जा नहीं सकता है, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है तो उसका रिस्क हमारे ऊपर आ जाता है। सो वेरी ग्रिम सिचुएशन। यहाँ बाकी भाइयों से भी बात करते हैं, आपका नाम? शाहिद चौधरी। और आपका नाम? अब्दुल कलाम। अच्छा, तो हम ये समझना चाहते हैं चारों भाई इस लाइन में आए, सबसे बड़ी मुश्किल आप लोगों को, देश के लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, क्या हो रही है इस समय? देश के लोगों को ये समझाना चाहते हैं थोड़ा अपने आप को बचाओ और कोविड के लिए मतलब थोड़ा हेल्प करो, अपने आप को बचाओ। आप क्या बोलेंगे सर? अभी आते हैं शाकिर। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग घर के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हैंड ग्लोव वगैरह पहने, नोज मास्क बराबर लगाए रहें, बार बार हाथों को सैनिटाइजर करें। तो शाकिर आपके पास ही आती हूँ वापस, आपको लगता है कि लोग समझ पाते हैं कि आप मतलब हॉस्पिटल से पहले, डॉक्टर से पहले, नर्स से पहले होता है जो एम्बुलेंस चलाता है? आप भी आधे डॉक्टर ही बन चुके हो। मैडम मैं 15 साल से मैं डॉक्टर का जो भी काम है A to Z पूरा काम करने मेरे को आता है, और उतना 15 साल से पूरा एक्सपीरियंस है, कैसे ऑक्सीजन बाईपाप क्या लगाना है पूरा हर एक चीज़ लगाते हैं। कोई चीज़ अगर डॉक्टर भी नहीं रहता है तो एक इतना काम कर लेते हैं कि पेशेंट को उतना मैनेज करने का अपने पास फैसिलिटी है, 15 साल से यही काम में है मेरा। सबसे ज़्यादा शॉर्टेज एक आपने ऑक्सीजन बताई, और सबसे ज़्यादा शॉर्टेज क्या पड़ रही है? सबसे ज़्यादा शॉर्टेज जो है ऑक्सीजन का ही है, और ऑक्सीजन की ही वजह से हम लोग पेशेंट नहीं लेके जा सकते हैं मैडम। दिन में कितने पेशेंट ले जाते हैं सर? मैडम कम से कम 4 से 5 पेशेंट, अगर ऑक्सीजन रहता है तो BMC से और पुलिस स्टेशन खाली 10 से 12 पेशेंट लेके जा सकते हैं हम लोग। और आजकल? आजकल कैसा है मैडम, 2 से 3 पेशेंट अगर ऑक्सीजन है तो लेके जाते हैं, नहीं है तो फिर हम लोग घर पे बैठे रहते, क्या करते, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उसकी मदद करते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्लीज थिंक अबाउट दिस, एम्बुलेंसेस आर हैविंग टू टर्न अवे पेशेंट्स बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, दे सेइंग दे कैन नॉट फेरी अ पेशेंट इफ देर इज नो ऑक्सीजन। एक आपसे सवाल पूछूंगी, फिर आगे जो आपके भाई हैं जो एम्बुलेंस चला रहे हैं उनसे भी 2 मिनट बात करेंगे। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके भी दिल दिमाग में इसका असर पड़ता होगा, इतना डेथ देख लिया आपने, इतनी बीमारी देख ली, आपका भी कुछ एक मानसिक जो एक हालात है काफ़ी असर पड़ा हो? मैडम कैसा है, हम लोग जब से ये कोविड का चालू हुआ है ना, इतना पहले तो शुरू शुरू में हम लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग को भी कोविड हो जाएगा, लेकिन कैसा है उसका हम लोग पूरा
मजबूती से काम किए और डरे नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। और लोगों का सेवा करना था मैडम, अगर सेवा नहीं करना रहता, अगर हम गाड़ी नहीं चलाते तो लोगों का मदद कौन करता? पर आपको डर नहीं लगता? नहीं, अभी हमारे को कोई डर नहीं है मैडम, हम लोग सीधा बोलते हैं डेली, अभी पूरा सेफ्टी के साथ पीपी किट के साथ में रहते हैं जी। इसके वजह से चाहे डेड बॉडी हो या पेशेंट हो, उनको करना हमारे ही काम है। और जो पेशेंट के रिलेटिव रहते हैं उन्होंने तो हाथ लगाने से ही डरते हैं, लेकिन पूरा काम हमारे चारों भाई हम लोग करते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि जो लोगों के अपने परिवार करने के लिए तैयार ना हो वो यहाँ एम्बुलेंस में जो लोग हैं आप करते हैं? जी मैडम, जैसे उनके परिवार जो हैं वो करने से डरते हैं, अभी हमारे चारों भाई, हर गाड़ी में चार लोग हैं हमारे, चारों लोग हम लोग करते हैं, पूरा मदद उनकी करते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरा 36 है मैडम। और आप सबसे बड़े भाई हैं? सबसे बड़ा मैं हूँ। फिर दिखाती हूँ मैं आपको ये जो चार भाई हैं, और ये इन्होंने बहुत ज़रूरी बात कही कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ फैमिलीज हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं अपने रिश्तेदारों को, और तब एम्बुलेंसेस और शाकिर और उनके भाई आते हैं। आगे भी आप दे सकते हैं, जो चला रहे हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम अरमान है। तो अरमान को भी अगर हम दिखाएं तो अरमान जी हैं वो गाड़ी चला रहे हैं और एम्बुलेंस चला रहे हैं। फैमिली ऑफ फोर ब्रदर्स हु से दैट व्हेन नो वन एल्स इज विलिंग टू हेल्प, दे आर द वंस हु एक्चुअली हेल्प। यहीं आकर मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा एक सेंटेंस इनसे भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि आगे हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अरमान, मैं आपसे पूछूंगी, सबसे ज़्यादा मुश्किल आजकल क्या हो रही है? ड्राइविंग करने में 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं मैडम, कहीं भी का कॉल आता कॉल उठाते हैं, तुरंत पहुँचते हैं वहाँ, कहीं का फोन आता हॉस्पिटल का। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी हीरोज, जिन लोगों का आपने शायद नाम ना सुना हो, वो कितने ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में फ्रंटलाइन रिस्पांस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो कमी यहाँ पे हो रही है वो ऑक्सीजन की है, और ये भी हमें याद रखना चाहिए, देयर आर फैमिलीज आउट ऑफ फियर एंड पैरानोया आर समटाइम्स अबैंडनिंग दोज हु हैव डाइड, इट इज़ दीज मैन। मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी आप बिल्कुल जिन लोगों को जानते भी नहीं उनकी आप जान बचा रहे हैं, कभी आप उनकी बॉडीज को क्लेम कर रहे हैं जहाँ परिवार वाले खुद नहीं थे। मैडम कैसा है, उनके जो परिवार वाले लोग रहते हैं ना, कोविड बॉडी का नाम सुनते ही वो दूर भाग जाते हैं। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल एक डेड बॉडी लेके गया, कोरोना का था वो बॉडी लेके, उनका सगा लड़का उनकी सगी लड़की उन्होंने देखने से दूर भाग गए, बोले जो करना है आप करो, हम नहीं हाथ लगा सकते हैं। तो हम चारों भाई ने वो करके यहाँ से साइन शमशान भूमि पहुँचाए उसको, हाँ। और वहाँ जाने के बाद उन लोग दूर भाग गए और वहाँ गए भी तक नहीं कि हमारा बॉडी है कि नहीं है। नहीं, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और भगवान आपका भला करे। लेकिन एक आखिरी सवाल, पिछले साल और इस साल में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? मैडम अगले जो टाइम था, अगले टाइम कोरोना पेशेंट का, वो डर से आदमी दूर भागता था, लेकिन आज के डेट में जो है वो पब्लिक कुछ सुनती नहीं है, ना कोई चीज़ काम करती है, ना मास्क लगाती है, उसके लिए BMC पुलिस स्टेशन से हर कोई फाइन मारता है, तो भी पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है। और अब समझ नहीं पा रही कि कितने बुरे हाल है, और पहले से बेकार हाल अब है मैडम, हाँ ये वर्स है जी, ये साल जो है पहले से बेकार है एकदम, और पब्लिक समझती नहीं है, पब्लिक अपने मनमानी काम कर रही है, लेकिन पब्लिक के ऊपर जब पड़ता है तो पब्लिक समझती है कि हाँ ये क्या बीमारी है। और मैं यही दिखाना चाहूँगी, ये शाकिर अली है और ये चार भाई हैं, ये उनकी एम्बुलेंस सर्विस है, और ये हमें याद दिला रहे हैं कि जब परिवार के लोग स्वयं अपने रिश्तेदारों को क्या बॉडी तक छूने के लिए राज़ी नहीं हैं, तब ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रहते हैं। और हर जगह यही कंप्लेंट है कि ऑक्सीजन ना हो तो एम्बुलेंस भी नहीं चल सकती। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.